और इनका मेन मोटिव हेयरलाइन ही था। ऑब्वियसली यंग एज में जो पेशेंट्स होते हैं उनका सबसे मेन प्रायोरिटी हेयरलाइन की होती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा बेटर होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक पेशेंट की जर्नी शो करने वाला हूँ हेयर ट्रांसप्लांटेशन की, जिन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन लगभग 6 महीने पहले मुंबई के एक बहुत बेहतरीन क्लिनिक से करवाया था। एक्चुअली हमारे काफ़ी ज़्यादा व्यूवर्स थे जो वीडियोज़ में कमेंट किया करते थे हमारी, हमें व्हाट्सएप पे, ईमेल पे कॉन्टैक्ट किया करते थे, जो बोलते थे कि हमें महाराष्ट्र का मुंबई में एक ऐसा क्लिनिक बताइए जो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में अच्छा ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट देता हो, हमें ऐसे रिजल्ट शो करिए उन पेशेंट्स के जिन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन मुंबई में करवाया हो। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए पेशेंट का रिजल्ट लाया हूं, आपको पूरा रिजल्ट खुद शो करने वाला हूं पेशेंट का, जिस दिन से उन्होंने सर्जरी करवाई थी उस दिन से लेके आज उनको 6 महीने हो चुके हैं ट्रांसप्लांटेशन को, पूरा रिजल्ट शो करने वाला हूं। काफी यंग पेशेंट थे, बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, रिजल्ट आप देखने वाले वीडियो में। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज्ड हो आपको कहाँ से ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, क्या आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि काफ़ी लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, वहाँ पर जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो कई अगर बात करें पेशेंट की बिफोर द सर्जरी की, जब इन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया था, सबसे पहले मैं इनकी एज बता दूं, 23 ईयर ओल्ड के पेशेंट थे, काफ़ी ज़्यादा यंग माने जाते हैं। और आप लोगों में से काफ़ी लोगों के अंदर ये मिथ है कि 25 साल से पहले ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवाना चाहिए, अगर आप करवा देते हो तो आपका रिजल्ट आएगा और कुछ टाइम बाद चला जाएगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो मेरी खुद की जर्नी है जो मैंने आपके साथ पिछले 3 साल से मैं शो कर रहा हूँ। मैंने खुद का ट्रांसप्लांटेशन 21 साल में करवाया था। चैनल बनाने का मोटिव ही ये था कि आप लोग को शो करूं कि यंग एज में ट्रांसप्लांटेशन अगर आप करवाओगे तो आपका रिजल्ट कितना देर तक टिका रहता है। 3 साल हो चुका है मेरे ट्रांसप्लांटेशन को और आप देख रहे हो मेरा रिजल्ट अभी तक बहुत अच्छा है। सेम टू सेम आज की वीडियो में जिन पेशेंट का रिजल्ट शो कर रहे हैं उनकी एज भी 23 ईयर ओल्ड थी जब इन्होंने कॉन्टैक्ट किया था। मुंबई के रहने वाले थे, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अच्छा ट्रांसप्लांटेशन सर्च कर रहे थे। आप इनकी कंडीशन देख सकते हो, फ्रंटल हेयर लॉस इनको हो चुका था, एग्जिस्टिंग हेयर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, आप देख सकते हो, मतलब स्ट्रेट हेयर थे। काफ़ी लोग कर्ली हेयर होते हैं और उनको ये मिथ रहता है कि कर्ली हेयर में ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होता। तो मैंने पहले भी काफ़ी बार बताया है कि आपके कर्ली हेयर है आपका ट्रांसप्लांटेशन डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। जहाँ तक पेशेंट की बात करें तो इनके डोनर एरिया की तरफ अगर आप ध्यान दो तो इनका डोनर एरिया एवरेज है। मैंने केस स्टडी काफ़ी सारी शो की है जिसमें डोनर एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन पेशेंट का जो डोनर एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा एवरेज है, आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा डेंस डोनर एरिया नहीं है। इसके बावजूद भी आगे जाके वीडियो में आप जब रिजल्ट देखोगे तब आपको समझ आएगा कि ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया से ही अच्छा रिजल्ट आ सकता है। अगर आप टेम्पल की कंडीशंस देखो तो आप देख सकते हैं टेम्पल्स इनके बिल्कुल फाइन है, फिट एंड फाइन टेम्पल है, टेम्पल क्रिएशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपकी 23 ईयर ओल्ड एज है और आपका टेम्पल रिसीड हो चुका है तो टेम्पल करेक्शन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यंग एज में टेम्पल्स का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा आपके लुक्स को इन्हेंस करते हैं। इन पेशेंट की कंडीशन की बात करें तो टेम्पल क्रिएशन बिल्कुल भी रिक्वायर नहीं था, आप देख सकते हैं कंडीशन बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए इनके टेम्पल्स नहीं बनाए गए, इनके सिर्फ फ्रंटल हेयरलाइन बनाई गई। अगर आप आफ्टर सर्जरी की बात करें तो आप कंडीशन देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से फ्रंटल हेयरलाइन डिजाइन हुई है, टेम्पल्स को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया है, थोड़ा बहुत एंगुलेशन दिया गया है लेकिन टेम्पल्स को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया है। मैंने बताया था आपको टेम्पल क्रिएशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। आप देखिए बहुत अच्छी तरीके से इनकी डेंसिटी दी गई है, बीच में आपको पोर्शन दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे ग्राफ्ट नहीं लगाए गए हैं, राउंड में ग्राफ्ट लगाए हैं, बीच वाला पोर्शन इसलिए छोड़ दिया गया है क्योंकि वहाँ पे एग्जिस्टिंग हेयर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डेंस थी इनकी। हमने ऑलरेडी काफ़ी केस स्टडीज आपके सामने शो करी है जिसमें जो एग्जिस्टिंग हेयर की क्वालिटी होती है, जो फ्रंटल हेयर लॉस जहाँ से होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा थिनिंग आ चुकी होती है, तो उनमें भी ट्रांसप्लांटेशन करना होता है। लेकिन इन पेशेंट का थोड़ा डिफरेंट था, इनके जो बीच वाला पोर्शन था वो काफ़ी ज़्यादा डेंस था, तो वहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। आप देख सकते हैं सिर्फ फ्रंटल हेयरलाइन बनाई गई है और साइड्स जो भी गैप थे उनको फिलअप किया गया है। अराउंड 2400 ग्राफ्ट इनके लगाए गए हैं, ग्राफ्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इतने ग्राफ्ट सफिशियंट थे। और सर्जरी की बात करें तो मुंबई के बहुत अफोर्डेबल क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन करवाया है, सिर्फ 20 रुपीज पर ग्राफ्ट में इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, एक दिन में पूरी सर्जरी हो गई थी पेशेंट की। अब अगर हम बात करें आफ्टर 3 डेज की, ट्रांसप्लांटेशन के 3 दिन बाद की कंडीशन की बात करें तो आप देख सकते हैं, अब हो सकता है आपको इन फोटोज में डेंसिटी थोड़ी कम लग रही होगी फ्रंटल एरिया की जहां पे ग्राफ लगाए गए थे एज कम्पेयर टू द सर्जरी डे, क्योंकि जो ब्लड क्लॉट्स है ना वो जम चुके हैं। और आपको मैं बता दूं, जरूरी नहीं है कि अगर आपकी डेंसिटी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है ट्रांसप्लांट के वक्त तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है ट्रांसप्लांटेशन में वो होती है प्लेसमेंट ऑफ ग्राफ्ट। अगर आपके ग्राफ्ट को बिल्कुल डेंसली पैक कर दिया गया और ग्राफ्ट का जो प्लेसमेंट है वो अच्छे से ना किया गया
ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा ग्राफ्ट्स आपके ऐसे ही डैमेज हो जाते हैं। हमने काफ़ी पेशेंट्स की केस स्टडीज देखी, हमने काफ़ी पेशेंट के रिजल्ट देखे हैं जो अपने सर्जरी की बात की जब फोटो शेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छी उनकी डेंसिटी दिखाई देती है, लेकिन जब रिजल्ट की बात करें तो उनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब आया होता है। सिंपल रीज़न इसका ये है, जितने भी डॉक्टर्स हमने बात करी, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ग्राफ का प्लेसमेंट। अगर आपका ग्राफ का प्लेसमेंट अच्छे से किया गया हो तो डेफिनेटली 99% जो ग्राफ्ट होंगे वो अच्छे से सर्वाइव करेंगे और रिजल्ट जब आएगा तो बहुत ज़्यादा डेंस आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ट्रांसप्लांटेड हेयर की डेंसिटी होगी वो आपके एग्जिस्टिंग हेयर की डेंसिटी से मैच करेगी, तो रिजल्ट आपका डेफिनेटली नेचुरल लगेगा। अब जैसे कि आप कंडीशन देख रहे हो, ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी से लेके कुछ दिनों तक आपको सेलाइन वाटर या कोई भी प्योर वाटर स्प्रे करना होता है अपने ट्रांसप्लांटेड एरिया को, ताकि वो एरिया मॉइस्चराइज रहे, उसमें ड्राइनेस इतनी ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। ऑब्वियसली सारे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, अगर आपके डॉक्टर ने सेलाइन वाटर रिकमेंड किया है तो आप सेलाइन वाटर यूज़ करिए, नहीं किया है तो आप नॉर्मल वाटर, कोई भी फ्रेश एंड प्योर वाटर आपको स्प्रे करना है। दिन में 7 से 8 बार आप स्प्रे ज़रूर करिए अपने स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखने के लिए। अगर हम बात करें आफ्टर 12 डेज की, अगर हम पेशेंट की कंडीशन देखें तो ऑलरेडी इनके 2 हेड वॉश तो हो चुके हैं, जो आपको पता है जब ब्लॉट्स को रिमूव करना है तो हेड वॉश करना होता है। तो 2 हेड वॉश के बाद अगर आप कंडीशन देखो तो आपको ना कुछ ब्लड क्लॉट्स अभी भी दिखाई दे रहे होंगे अपने ट्रांसप्लांटेड एरिया में, पेशेंट के ट्रांसप्लांटेड एरिया में आप देख सकते हैं कुछ ब्लड क्लॉट्स ऑलरेडी बचे हुए हैं। कई बार ये पेशेंट के साथ होता है कि उनके ब्लड क्लॉट्स जब आप वॉश करते हो तो कुछ दिनों तक नहीं निकलते। अब उस केस में क्या होता है, जैसे आपको कल मॉर्निंग में हेड वॉश करना है तो आपको रात को कोई भी कोकोनट ऑयल अपने स्कैल्प पे आप लगा के सो सकते हो, ताकि मॉर्निंग में जब आप रबिंग करो तो जो स्कैप्स हैं वो ईजिली बाहर आ जाए। और ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, ऐसा नहीं है कि आपके जो ब्लड क्लॉट्स अगर कुछ बच गए हैं तो वो आपका कुछ डैमेज कर देंगे, ऐसा नहीं है। 15 डेज का टाइम है आपके पास, 15 से 16 दिन में आपको सारे रिमूव करने हैं और वो ईजिली रिमूव हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें पेशेंट के 1 महीने बाद की कंडीशन के बारे में, तो आप पेशेंट की कंडीशन देख सकते हैं। शेडिंग फेज ऑब्वियसली इनका आ चुका है, ट्रांसप्लांटेड हेयर ऑलमोस्ट झड़ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा जो इनकी हेयर लाइन है वो सेम एज इट इज़ पहले जैसी हो चुकी है। और ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कुछ बाल, बहुत कम बाल जो क्वांटिटी है वो बची हुई है और वो वहीं से ऑब्वियसली ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब शेडिंग फेज की बात करें तो शेडिंग फेज आपका 3 महीने तक भी चल सकता है। हमने काफ़ी पेशेंट के केसेस देखे हैं जहाँ पे शेडिंग फेज 3-3 महीने तक इनका लास्ट हुआ है, 3-3 महीने तक इनका रहा है। तो 98% पेशेंट्स में तो 2 महीने में ख़त्म हो जाता है शेडिंग फेज और बाल ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाते हैं 3 महीने में, लेकिन कुछ परसेंटेज लोग ऐसे होते हैं जिनका शेडिंग फेज 3 महीने तक चल सकता है। तो अगर आपका शेडिंग फेज 3 महीने तक चल रहा है तो आपको नहीं घबराना, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अब रिसेंटली एक पेशेंट ने कॉन्टैक्ट किया था और काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे, उनके ट्रांसप्लांटेशन को 4 दिन सिर्फ हुआ था और जब वो वॉश कर रहे थे, सिंपली जो नॉर्मल वॉश होता है, उनको बाल दिखाई दे रहे थे वो ट्रांसप्लांटेड है, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे कि सर हमारे बाल तो अभी से झड़ने लग गए, मुझे नहीं लगता है बाल दोबारा से ग्रो होंगे। तो मैंने वीडियो में काफ़ी बार ये बताया है कि शेडिंग फेज कुछ परसेंट पेशेंट्स में 4 से 5 दिन में भी स्टार्ट हो जाता है। आपके ग्राफ्ट्स को एक बार लगा दिया तो 48 आवर्स में वो ऑलरेडी सेटल डाउन हो जाएंगे आपके स्कैल्प पे। तो अगर वो 5 से 6 दिन बाद वॉश करते टाइम झड़ रहे हैं ना, तो आप घबराइए मत। और बालों के साथ हो सकता है आपको कुछ टिश्यूज़ टाइप भी दिखाई दें जिनको आपको देख के लगे कि रूट्स है, वो रूट्स नहीं होती, वो टिश्यूज़ होते हैं। तो शेडिंग फेज में आपका ऐसा नहीं है कि आपका 10 दिन बाद ही स्टार्ट होगा या 15 दिन बाद स्टार्ट होगा, शेडिंग फेज आपका 4 से 5 दिन बाद भी स्टार्ट हो सकता है। अब अगर हम बात करें 4 महीने बाद की कंडीशन की, ट्रांसप्लांटेशन को देखिए 4 महीने हो चुके हैं और आप फोटोज़ में देख सकते हो पेशेंट का रिजल्ट 4 महीने के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा होगा। और ऐसे रिजल्ट ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम आप शो कर रहे हैं, हमने 2-3 केस स्टडीज़ ऑलरेडी शो करी थी और आपने ध्यान दिया हो कि उन केस स्टडीज़ में जो एक चीज़ सिमिलर थी इन पेशेंट के, वो थी इनका एज ग्रुप। 23-year-old पेशेंट की एज है, मैं अपनी खुद की बात करूँ, आई वॉज 21-year-old व्हेन आई गॉट हेयर ट्रांसप्लांटेशन डन। यंग एज में हो सकता है ये प्रोबेबिलिटी हो कि आपका रिजल्ट थोड़ा जल्दी आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारे पेशेंट केस में नहीं होगा। हमने काफ़ी पेशेंट ऐसे देखे हैं जिनका 22-23 में ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं, लेकिन जो उनकी प्रोग्रेशन होती है वो थोड़ी थोड़ी लेट आती है। लेकिन पेशेंट की कंडीशन देखिए, बहुत ही ज़्यादा तेज़ इनका रिजल्ट आया है। 4 महीने के हिसाब से तो बहुत ही कम केस स्टडीज़ ऐसी अवेलेबल है जिनका रिजल्ट इतना तेज़ इतना जल्दी आया है, लेकिन आप देख सकते हैं इनका रिजल्ट बहुत अच्छे से आया है। 2 PRP ट्रांसप्लांटेशन के बाद इन्होंने ली थी सेम क्लिनिक से जहाँ से इन्हें ट्रांसप्लांटेशन करवाया था, और इनका रिजल्ट ऑब्वियसली इतना आ चुका है कि एक हेयर कट भी ले सकते हैं। पेशेंट की कंडीशन देखिए, बहुत अच्छी इनकी हेयरलाइन लग रही है सिर्फ 4 महीने में। अब अगर हम बात करें आफ्टर 5 मंथ के रिजल्ट की, तो आप 5 महीने का रिजल्ट देखिए। अब आपको रिजल्ट तो ऑलमोस्ट 4 मंथ जैसा ही लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर डेंसिटी का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। आप देख सकते हैं डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा डेंस हो चुकी है सिर्फ 5 महीने के हिसाब से। और अगर हम बात करूँ डेटा की, तो सिर्फ 30-40% ऐसे लोग होते हैं जिनका रिजल्ट 5 महीने में ऐसा आता है।
बहुत कम पेशेंट होते हैं जिनका रिजल्ट सिर्फ 5 महीने में इतना आता है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका रिजल्ट 5 महीने में इतना नहीं है और आप कंपेयर कर रहे हो इन पेशेंट से खुद को या और पेशेंट से खुद को, आपको डीमोटिवेट नहीं होना। 5 महीने में रिजल्ट नहीं आता, कम से कम 7 से 8 महीना लग जाता है रिजल्ट आने में। एक्चुअली होता क्या है कि लोग डीमोटिवेट होने लगते हैं और वो फालतू के सप्लीमेंट्स खाने लगते हैं, उन्हें लगता है सप्लीमेंट्स लेने से हमारा रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको जो आपके सर्जन थे जिन्होंने आपका ट्रांसप्लांटेशन करवाया उनके टच में रहिए, आप उनसे बात करिए महीने में एक बार, दो बार, हफ्ते में एक बार, दो बार, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। और आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा खाऊंगा तो हो सकता है मैं रिजल्ट जल्दी आए। जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन की प्रोग्रेशन होती है वो बॉडी टू बॉडी वेरी करती है, आपको हर पेशेंट से अपने आप को कंपेयर नहीं करना। नॉलेज लेना अच्छी बात है, आप ऑब्वियसली देखिए रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन कभी मत करिए किसी भी पेशेंट से खुद के रिजल्ट को एटलीस्ट 7 से 8 महीने तक। और अगर हम बात करें आफ्टर 6 मंथ के रिजल्ट की, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर इनका रिजल्ट आया। आप देख सकते हैं फ्रंटल हेयरलाइन इनकी कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंने वीडियो में बताया था सिंगल हेयर फॉलिकल का इस्तेमाल किया गया था इनके फ्रंटल हेयरलाइन को बनाने के लिए और एंगुलेशन का प्रॉपर ख्याल रखा गया था। इसी वजह से आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन इनका रिजल्ट आया है। डेंसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। इनिशियली मैंने पहले बताया था आपको हो सकता है सर्जरी के टाइम पर डेंसिटी कम लग रही हो, लेकिन जो ग्राफ का प्लेसमेंट था वो अच्छी तरीके से हुआ था, जिस वजह से वो एग्जिस्टिंग हेयर के साथ अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं। आप देखिए कोई देख के बोलेगा नहीं ट्रांसप्लांटेशन करवाया। टेम्पल क्रिएशन की इनको ज़रूरत नहीं थी, मैंने इनिशियली आपको बताया था इनके टेम्पल्स नहीं बनाए गए थे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से इनका रिजल्ट आया है। टेम्पल क्रिएशन नहीं करने के बावजूद भी इनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रहा है। डोनर एरिया की बात करें तो डोनर एरिया भी प्रॉपरली हील हो चुका है इनका, जबकि इनका एवरेज डोनर एरिया था 2400 ग्राफ्ट में एक्सट्रैक्ट ऑलरेडी करे गए थे, लेकिन फिर भी इनका डोनर एरिया कवर हो चुका है। इन फ्यूचर अगर इनको 8 से 10 साल बाद ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत होती भी है तो ऑब्वियसली इनका ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगा। जब इन्होंने कॉन्टैक्ट किया था तो एक अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में एक बहुत बेहतरीन और नेचुरल लुकिंग हेयर ट्रांसप्लांट चाहते थे और इनका मेन मोटिव हेयरलाइन ही था। ऑब्वियसली यंग एज में जो पेशेंट्स होते हैं उनका सबसे मेन प्रायोरिटी हेयरलाइन की होती है, हेयरलाइन की वजह से ही वो ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं। सेम प्रायोरिटी इनकी भी थी, तो आप देखिए बहुत अच्छी तरीके से इनकी हेयरलाइन आई है। इसीलिए हम हमेशा फोकस करते हैं केस स्टडीज़ में कि आप जब सिलेक्शन करो क्लिनिक का, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको देख के आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ से ट्रांसप्लांटेशन करवाना है। आप ऑब्वियसली पढ़ सकते हो इंटरनेट में इसके बारे में, बेस्ट हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, हेयरलाइन से रिलेटेड, क्लिनिक से रिलेटेड और मेडिसिन से रिलेटेड, आप देख सकते हो बेस्ट हेल्थ में। और अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप अपने आसपास क्लिनिक में विजिट भी कर सकते हो। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोज़ लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फ़ोन में पहुँच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।